हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक थ्रेड कैसे यूज़ होता है अपर लिप्स और आईब्रोज बनाने के लिए। तो जो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सा है, एक थ्रेड। तो बेहतर है आप लाइट कलर का थ्रेड लें, उससे ये होगा कि जब भी आप कोई भी हेयर रिमूव कर रहे होंगे तो वो विजिबल होगा ईजली। लेकिन अगर आप डार्क कलर्स का लेंगे जैसे ब्लैक, तो उसमें आपको मसला होगा कि आप कौन सा हेयर रिमूव कर रहे हैं कौन से नहीं। तो बेहतर है कि आप लाइट कलर करें। सेकेंड थिंग, सिंपल सी आपको सीज़र लेनी है, जो कि मैं सिर्फ कटिंग के लिए यूज़ करूँगी, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो आप तकरीबन 2.5 फीट का थ्रेड ले लें, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने ये 2.5 फीट का ले लिया और मैंने इसको फिर डबल कर लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब आपको क्या करना है, जब आपने इसको डबल कर लिया है तो बिल्कुल जो एंड है वहाँ आपको नॉट बांधनी है, इस तरह सिंपल सी नॉट बांधनी है। आप जैसे नॉट बांधते हैं वैसे नॉट बांधनी है, देन आपको उसको खोलना है। तो ये देख लें, मैंने यहाँ नॉट बांध ली है। अब मैं इस जो मैंने डबल किया था इसको मैं खोल लूँगी और क्या करूँगी, इसको मुझे इस तरह घुमाना है, लाइक दिस। ये भी कम है थोड़ी, आप उसको थोड़ा और घुमाना है। ये देख लें, तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैं इस थ्रेड में बल दे चुकी हूँ और अबाउट 2 इंच आपको ये बल देना है। बहुत कम भी ना हो तो उसमें मसला होगा कि आप कम एक वक्त में कम हेयर्स रिमूव कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी ना हो तो आपके पास ये सीज़र चलाने के लिए कम स्पेस रह जाएगी। तो अब बात आती है कि हम हेयर्स किस तरह रिमूव करते हैं और हैंड्स किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये है मेरा राइट हैंड, जिसमें मैंने कम्प्लीटली अपना फुल हैंड इसमें इस तरह किया हुआ है। तो यहाँ मेरे पास होंगी ये 2 फिंगर्स और थंब, और यहाँ मेरे पास पूरा हैंड होगा। तो इन दोनों हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इससे मैं सीज़र चलाऊँगी। अब सीज़र जो हमें चलानी है वो इस तरह चलानी है कि जब भी आप हेयर्स रिमूव कर रहे हों तो यहाँ से ये टाइट होता है, और जो रिमूव करते हैं वो आप अपनी ये राइट हैंड से करते हैं इस तरह। ये छोटा हो गया, आप इसको बड़ा करेंगे देन रिमूव करेंगे। ये पार्ट फिर से छोटा हो गया, आप इसको बड़ा करेंगे और देन इसको दोबारा रिमूव करेंगे। तो ये इस तरह सीज़र चलेगी, और जो आप अपने हेयर्स रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। आप जब राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो आप राइट हैंड की तरफ हेयर्स रखेंगे, आप लेफ्ट हैंड की तरफ हेयर्स रखेंगे, जहाँ से आप अपनी इस तरह सीजर्स चला रहे हैं। इस तरह आपने यहाँ हेयर्स रखे, आपको ऐसे करने हैं, तो यहाँ से हेयर्स इस लाइन से रिमूव हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे वॉलंटियर कर रहे हैं, तो यहाँ देखें ये मेरे हस्बैंड का हाथ है। अब मैं आपको हेयर रिमूव करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह हेयर रिमूव कर सकते हैं। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। एज यूजुअल मैंने यहाँ पे 2 फिंगर्स रखी हैं, थंब रखा है, या मैं अपना पूरे हाथ से सीज़र चलाऊंगी इस तरह। यहाँ से टाइट करती रहूँगी, यहाँ से फिंगर चलाऊँगी, यहाँ से टाइट करती रहूँगी, यहाँ से ऐसे करती रहूँगी इस तरह। अब देखें ये एक बाल है जो मैं रिमूव करने जा रही हूँ। ये मैंने कहाँ रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड की तरफ आपको बिल्कुल जो आपने बल दिए थे उसके साथ ही रखना है, इस तरह करना है। आपको यहाँ से फुल टाइट करना है, ऐसे रखना है। ये हुआ, रिमूव हो गया, यहाँ से हेयर रिमूव हो गया, जो आपको शायद थ्रेड पे भी दिख रहा होगा। इसी तरह आपको यूज़ करनी है, ये आपको फिर टाइट करना है, आपको ये ऐसे करना है, और ये अगेन ये रिमूव हो गया। तो इसी तरह आपको सीज़र चलानी है, आपकी पूरी लाइन है। जैसे आप आईब्रोज बना रहे हैं तो आईब्रो की पूरी लाइन है, तो आपको इस तरह करना है और आप ऐसे रिमूव करते रहेंगे उन लाइंस को, ऐसे रिमूव करते रहेंगे, इस तरह रिमूव करते रहेंगे। और जो
लेफ़्ट हैंड वाले हैं उनको मैं यही बताऊंगी कि थ्रेड को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह है थ्रेड वैसे ही थ्रेड रखें। आपको सिर्फ क्या करना है, जो लेफ़्ट हैंडेड हैं उनको यहाँ अपना फुल हैंड रखना पड़ेगा और यहाँ उनको टू फिंगर्स और वन थंब से काम करना पड़ेगा, और जो चीज़ मैं राइट हैंड की तरफ से कर रही थी वो उनको लेफ़्ट हैंड की तरफ से करनी पड़ेगी, वो उनको लेफ़्ट हैंड की तरफ से करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से टाइट करूँगी और फिर अब मैं हेयर्स यहाँ रखूँगी राइट हैंड की तरफ, और फिर मैं यहाँ से टाइट करती रहूँगी, यहाँ से इस तरह यहाँ टाइट करती रहूँगी, यहाँ से ये सीज़र चलाती रहूँगी, टाइट करती रहूँगी, यहाँ से फिंगर चलाती हूँ, तो ये एक सीज़र चल रही होती है इस तरह। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया हो कि एक थ्रेड किस तरह से आ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।